ग्राम पंचायत छोटी बदरेल की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और भागड़वासियों को धनतेरस दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत छोटी बदरेल, सरपंच नीलेश रावल, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच छोटी बदरेल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ग्राम पंचायत छापरिया की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़वासियों को धनतेरस दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत छापरिया, सरपंच लीला, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच छापरिया, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। सोचिए, कांच पर पारा चढ़ा तो आईना बन जाता है। सोचिए, कांच पर पारा चढ़ा तो आईना बन जाता है, और किसी को आईना दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है। सियासत और सियासत करने वालों का भी कई बार कुछ ऐसा ही हाल होता है। अब यूं तो आम तौर पर राजनीति करने वाली पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम की बारिश करती हैं, लेकिन कई बार एक ही पार्टी के सियासतदान भी एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तस्वीर पिछले कुछ वक्त से राजस्थान में ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम इल्जामों के बाद एक दूसरे को उंगली दिखाने वाले एक दूसरे के लिए खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि सियासी मौसम बदल रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में ये दोनों दिग्गज दिखावे में तो दोनों साथ नजर आते हैं, लेकिन इनकी हकीकत इनके अलावा आम आवाम भी जानती है। सियासी मामले किसी से छुपे भी नहीं हैं। पहले जनाब डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ थे, लेकिन फिर अचानक इनकी सियासी कुंडली के विपरीत ग्रह जाग गए। कुछ लोगों ने साथ निभाने का वादा भी किया, लेकिन उन पर सियासी बारिश कुछ इस तरह से बरसने लगी कि इन साहब की छतरी में जा बैठे। खैर, कहानी पुरानी हो चुकी है, लेकिन यहां जिक्र करना जरूरी था। अब यह लंबे वक्त से ये जनाब और इनके कुछ लोग इसी मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि साहब अब तो कुछ दे दो। ऊपर से इन मोहतरमा के भरोसे भी मिलते रहे, और हाल ही में बड़े साहब ने इनकी परेशानियों को लेकर बनी एक कमेटी में अपने मन की बात भी कह दी। हो सकता है ये जनाब भी सोच रहे हैं कि चलो अब चुनावों का वक्त है, इनकी तकलीफें कम कर दी जाए, यानी कि ये समझा जाए कि अब तो दिल पसी जा। खैर, सियासत है, बंद कमरों में क्या होता है और फिर बाहर क्या तस्वीर होती है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इन साहब ने जरूर अपनी मंशा जता दी कि चाहे सियासी लड़ाई कितनी भी क्यों ना हो, घर में अपने बड़ों पर कोई उंगली उठाए तो उसे बख्शना नहीं चाहिए, और जनाब ने कुछ किया भी ऐसा ही। दरअसल वल्लभ नगर में होने वाले उपचुनाव के प्रचार में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे, अपना भाषण शुरू किया, और फिर सियासी भाषण में उन्होंने सूबे के मुखिया गहलोत साहब के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी जो शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं थी। लगातार कर्जे माफ करेंगे, हुए हो तो बताओ। 24 घंटे बिजली देंगे, दी हो तो बताओ। तो मैं कह रहा था कि 1000 झूठे जोशी जी, 1000 झूठे जिस दिन मरे होंगे उस दिन गहलोत जी पैदा हुए होंगे। मैं गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि मैं सनातन हिंदू हूं। एक हिंदू के लिए जितना गीता और रामायण जी का महत्व है, एक सच्चे मुसलमान के लिए जितना कुरान शरीफ की आयतों का महत्व है, एक सच्चे सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी का जो महत्व है, एक सच्चे क्रिश्चियन के लिए, नमस्कार जी,
जो बाइबल का महत्व है, बड़ी गंभीरता के साथ सुनो, किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को उसको अपने पवित्र पुस्तक के समान ही मानना चाहिए। मैं आज उनका नया नाम रख रहा हूं, अशोक गहलोत की जगह घोषणा गहलोत। सुना आपने केंद्रीय मंत्री जी को, आखिर गुस्सा किसे नहीं आएगा। अब हाथ वालों ने भी मंत्री बघेल को जमकर आड़े हाथ लिया और उनके अमर्यादित भाषा पर कड़ा एतराज भी जताया। लेकिन केवल यही नहीं, बल्कि इन साहब को भी पता चला कि मंत्री बघेल ने गहलोत साहब के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया तो हमारे इन साहब को भी गुस्सा आ गया। इन्होंने भी अपना बयान जारी किया और केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथ भी लिया। जनाब, इसी को ही कहते हैं अपनापन। अब चाहे दोनों में कुछ भी मतभेद हो, लेकिन यहां तो आलोचना करने में हमारे ये साहब भी पीछे नहीं रहे। बड़ी बात तो यह है कि पीसीसी चीफ डोटासरा साहब ने तो केंद्रीय मंत्री के बिगड़े बोल का पूरा वीडियो ही ट्वीट कर दिया और उन्हें आड़े हाथ भी ले लिया। खैर, बात चल रही थी इन साहब की, तो इन्होंने भी अपनी दरिया दिली दिखा दी। बस साहब, अब तो इंतजार इन्हें भी है कि काश ये भी आगे बढ़े और दरिया दिली दिखा दे, क्योंकि कल भी यह चाकसू में इंतजार ही करते रह गए, लेकिन बड़े साहब नहीं आए। हालांकि तस्वीरें लगी थी यहां, लेकिन वह सिर्फ तस्वीरें ही थी। सवाल यह है कि दूरी की वजह क्या थी, यह भी बताइएगा। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट। खैर, वजह जो भी हो, एक मंच पर ना ही हो, लेकिन कम से कम यहां पायलट साहब ने गहलोत साहब के लिए केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथ ले ही लिया। लेकिन हां, कहीं यह भी पड़ा था कि मेरा पानी उतरा देखकर मेरे किनारों पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरा देखकर मेरे किनारों पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौटकर वापस जरूर आऊंगा। नमस्कार। ग्राम पंचायत डाबरीमाल की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक: कार्यालय ग्राम पंचायत डाबरीमाल, सरपंच शांतिलाल मैडा, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच डाबरीमाल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ग्राम पंचायत देवगढ़ की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ: मनरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक: कार्यालय ग्राम पंचायत देवगढ़, सरपंच शंभूलाल, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच देवगढ़, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।